चलिए, अगर बेसिकली हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? डिस्टेंस फ्रॉम एंड सेंटर टू द बाउंड्री। राइट। अगर रेडियस की बात करते हैं मतलब हम उस बॉडी को कैसा डील कर रहे हैं, स्फेरिकल और एटम को हम कैसा डील करते हैं, स्फेरिकल हम डील करते हैं, रहेगा वही, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल टर्म आ जाएंगे। जैसे अगर हम इसे कंसीडर कर लें तो ये डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। आप फिजिक्स में भी यही बोलते हो रेडियस का मतलब, ठीक है, बट हम आपसे सिर्फ एक चीज अगर यहाँ पर ये कंफर्म करें कि टू टाइम्स ऑफ रेडियस, जो एक नया टर्म आपके लिए आने वाला है, टू टाइम्स ऑफ रेडियस क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर होता है, बिल्कुल ठीक है। पर ये डायमीटर टर्म हम यहाँ पर यूज नहीं करते, ये हमें जानना है केमिस्ट्री में डायमीटर टर्म यूज नहीं किया जाता। होता है टू टाइम्स ऑफ रेडियस डायमीटर है, लेकिन हम इसकी जगह पे इसको डायमीटर, जो आपका नॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड है, उसकी जगह पे हम यूज करते हैं बॉन्ड लेंथ। ये हमें समझना है सबसे पहली बात। अगर कहीं पर बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल भी उसके लिए कंफ्यूज ना हो, दैट इज इक्वलेंट टू डायमीटर ही होगा। राइट। अगर बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से जैसे एटम की रेडियस की बात करें, तो जैसे अभी मुझे उसने बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम कहां से कहां तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर हम जनरल डेफिनेशन बोले और ऑर्बिट टर्म अवॉइड करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? सर, फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कैसे मेजर की जा पाएगी भाई? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल बोलिए। हाँ, शेल बोलिए, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाता है। लिखिए डेफिनेशन उसकी। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे, दिख रही है सर अभी? सिंपल वर्ड्स में मुझे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन। सर मुझे नहीं दिख रही, सर बस दिख रहा है कि यू हैव स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बट यस सर इधर भी सर मुझे भी नहीं दिख रहा। सेम हियर सर। हां सर अभी आ गया, तो दिख रही, किसी को नहीं दिख रही, ऐसा क्यों हो रहा है? अब आ गया सर। सर चला सर, वापस गया सर, गया हो। अब जब तक ये लिखिए जो मैंने बोला है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल।
सर देखिए जरा, जैसे मैंने बोला डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, इन सिंपल वर्ड्स हम रेडियस को डिफाइन करते हैं, पर ये रेडियस हमको कहीं से ये नहीं बता पा रही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में है कि नहीं है हम, ठीक है। तो जब हम केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री के हिसाब से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, आपको दिख रहा है लाइन सेकेंड लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स अगर हम बात करते हैं तो हम चार तरीके की रेडियाई की बात करने वाले हैं, कोवेलेंट रेडियाई और कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, क्रिस्टल रेडियस और मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। ये चार अलग अलग तरीके की रेडियस हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारा पार्ट इंट्रोडक्टरी है, इस पर क्वेश्चंस नहीं बनता, जहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला पार्ट होगा वहां पे मैं आपको इम्पोर्टेंट या कुछ मार्किंग आपको बोलूंगा तो उन्हें आप फॉलो करिएगा। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस। हो गया यार ये आगे चला गया। सर हाँ जी सर, जो 2R है वो मतलब सेम एटम्स के बीच में होना चाहिए ना, मतलब बॉन्ड फ्री 2R इक्वल्स बॉन्ड लेंथ होगा ना। सेम एटम्स के बीच में बात कहाँ से आ गई, जब हम सिंगल एटम में रेडियस डिफाइन करते हैं कि सेम एटम्स में क्या होता है? नहीं मतलब सेम एटम्स मतलब सर बॉन्ड लेंथ मतलब दो एटम के बीच का जो रहेगा बॉन्ड वही ना। दो एटम के बीच का कैसे रेडियस होता है वो बताओ मुझे, हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं कि एटॉमिक्स रेडियस की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो तुम सर? तो फिर बॉन्ड लेंथ मतलब सर्किल की बात करी है मैंने, तो एक सर्किल की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक से ज्यादा सर्किल का डिस्कशन कहां से आ गया? और भाई ऐसे मतलब कम से कम डाउट थोड़ा जेन्युइन और थोड़ा जेंटल डाउट पूछो। नहीं सर वो बॉन्ड किसके बीच में होगा सर, बॉन्ड कहां बॉन्ड है, दैट इज सिंपली कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इनको दो रेडियाई ये दो पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, नाउ हैप्पी? ओके सर। ये कॉपी हुआ है तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कोवेलेंट रेडियस। एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करोगे प्लीज। तो ये स्क्रीन बार बार चली जा रही है, जाने क्या हो गया इसको। एक बार मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप डिसकनेक्ट हो जाएं तो रीज्वाइन करिएगा, ठीक है।
सब लोग कनेक्टेड है ना? यस सर। बस आई थिंक नेट की स्पीड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, पेज लोड हो रहा है, बस स्टार्ट। उतना हम लोगों ने कॉपी कर लिया था सर, कोवेलेंट रेडियस से शुरू करना था। ठीक है सर, जो ऊपर एक जो डायग्राम सा था वो नहीं बना, बाकी सब हो गया। ठीक है, बस एक बार पेज ओपन हो जाते हैं, मुझे रीराइट करना होगा, वो सब डिलीट हुआ होगा, लोड हो जाए बस। सर आप तब तक डिक्टेट कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा कर सकते हैं। चलिए आप फर्स्ट हेडिंग डालिए, कोवेलेंट रेडियस। मैं डिक्टेट करूं? हाँ सर। हाँ सब लोग लिखिएगा। इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज half of the distance between two successive nuclei of nuclei of two covalently bonded atoms in a molecule atoms sir two successive nuclei covalently bonded atom ha covalent covalently bonded atom in a molecule सब लोग लिख पाए कि मैं रिपीट करूं? लिख लिया सर। सेंटेंस का मीनिंग समझ रहे हैं आप लोगों को? हाँ सर। इतना क्लियर नहीं है, स्ट्रक्चर बना के दिखाना है मुझे, एक ही मिनट।
सर अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाना है तो आप जूम के भी उस शेयर ऑप्शन से कर सकते हैं। ये विजिबल है आपको प्रॉपर? यस। मैं एक बार वापस से डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप सुनिएगा और इसे रिलेट करिएगा। It is defined as, क्या बोला था definition, बोलिए जरा। Half the distance between two successive nuclei of two covalently bonded atoms in a molecule. In a molecule, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई molecule है। Successive nuclei का मतलब क्या होता है? जो दो closest atom nuclei के बीच की distance हो। तो ये जो distance आपको दिख रही है किसी covalently bonded molecule के लिए, तो कोवेलेंट रेडियाई का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से हमारा? क्या लिखा है? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये आपको फॉर्मूला रिलेट हो रहा है क्यों गाइस? बोलिए। यस सर। अब यहां पर ये जो आपको रेडियस बताई है, ये हमने किसकी रेडियस बताई है? एटम की कि मॉलिक्यूल की? बोलिए। अरे डेफिनेशन पढ़ के बताइए बेटा, डेफिनेशन पढ़ के बताइए। एटम, एटम, एटम की बताइए। अरे आपने क्लासिफिकेशन में भी किसका किया है? एटॉमिक रेडियस के तो किया है ना। अब सपोज आपको मॉलिक्यूल की रेडियाई निकालनी है और मॉलिक्यूल कैसा है? एबी टाइप है। एबी टाइप का मतलब एक कैटायन और एक एनायन का कॉम्बिनेशन है। आप एचसीएल बोल सकते हो, इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं और प्लीज जरा देखिएगा, आपको कॉपी करने के लिए टाइम दे देंगे। अब ये जो हम यूज करते थे वो तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस थी, बट हमको चाहिए कोवेलेंट रेडियाई। तो CVR फॉर दिस मॉलिक्यूल क्या होगा? DA by 2 plus DB by 2, where DA and DB are the bond length of atom A एंड B। ये फॉर्मूला समझ में आता है आपको इतना? अगर हमें बॉन्ड लेंथ गिवन है, फिर बोल रहे हैं? हाँ सर। सर ये तो तभी ट्रू होगा ना जब वो ओवरलैप नहीं हो। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इसलिए मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, बाद में आप बोलिए। ठीक है, ए बी टाइप का अगर हमारा मॉलिक्यूल है और डी बॉन्ड लेंथ है, तो ए की बॉन्ड लेंथ का हाफ प्लस बी की बॉन्ड लेंथ का हाफ, इनका सम करेंगे तो मॉलिक्यूल की रेडियाई मिलेगी कि नहीं? बोलिए। yes. अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि यार कुछ एरिया तो कॉमन भी है ना इनके बीच में, और अगर कॉमन नहीं होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बात आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए। ठीक है,
बॉन्ड बनता ही ओवरलैपिंग से है, तो कुछ एरिया कॉमन है, तो कॉमन एरिया तो दोनों में इंक्लूड हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो फॉर दैट एक्सक्लूशन ये फॉर्मूला है जो एक्सपेरिमेंटली लिखा कैलकुलेटेड है, हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करना होता है फॉर द रेडियाई कैलकुलेशन, वेयर डेल्टा एक्स इज व्हाट, इलेक्ट्रो निगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। तो हमको क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए गिवन होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ बी गिवन होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस गिवन होगा, हम वैल्यूज पुट करेंगे, विल गेट आंसर फॉर दैट मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? सर पहले एटम वाले फॉर्मूला में डी है ना, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये अलग है, ये अलग है, डोंट मिक्स। ये एटम का डिस्कशन था यहां तक, इसके बाद फॉर मॉलिक्यूल है, ये अलग है। आपको डी से कंफ्यूजन है तो मैं डी हटा देता हूँ, उसकी जगह एक्स लिख देता हूँ, एक्स से रिलेट कर जाओगे भाई बड़ा मुश्किल है, क्या लिख दे, कैपिटल डी लिख देते हैं इसको। चलो नहीं सर, मैं वो फॉर्मूला में वो कैपिटल डी होगा ना, हाफ इनटू कैपिटल डी होगा ना, वो कहां पे, ऊपर वाले में? हाँ हाँ ओके सर, पर ये एटम का डिस्कशन था, नीचे मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन, नीचे बट HCl तो आयनिक नहीं होता, तो फिर कौन पढ़ाया HCl आयनिक होता है? आपको बहुत सारे चमत्कार दिखेंगे फिर टेंथ के हिसाब से। तो HCl मतलब कोवेलेंट है? हाँ जी बिल्कुल कोवेलेंट है, विदाउट एनी इफ बट, और वो सारी चीजें प्रूफ भी होंगी, अभी तो चैप्टर का इंट्रो कर रहे हैं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था, अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वो सब चीजें प्रूफ भी होंगी। अब कोई भी बात ऐसा हवा में नहीं होगा, टेंथ में जैसे बोल दिया ऐसे ही होता है, यहाँ ऐसे नहीं होता, प्रूफ करेंगे हाँ, बट वो टॉपिक पे आने पे प्रूफ करेंगे। सर वो ग्रीन में क्या लिखा है, माइनस डेल्टा एक्स 0.9 डेल्टा एक्स, देखा आपने, मैं अब आपको इससे रिलेटेड एक सेकंड से इसको 0.09 करो, अब देखिए आप लिखते रहिए और सुनते रहिए। अच्छा अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 0.09 है, फिर करेक्शन करेगा 0.09, तो ये वैल्यू डेल्टा एक्स कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है, ठीक है, ये सिंगल डिजिट होगा या डेसिमल होगा, तो ये वेरिएशन जो आएगा इसकी वजह से ये कैसा होगा, इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। इस बात को याद रखते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल डेटा बना करके आपको, और आप जरा देखिएगा कि आंसर कैसे दिया जाता है, ऑफिशियल एग्जाम का क्वेश्चन है। मेरा डेटा चेंज हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नंबर्स नहीं याद है, बट क्वेश्चन बराबर यही पूछा गया आपसे। इधर का कॉपी हो जाए तो इस क्वेश्चन को कॉपी करिएगा और आंसर बताइएगा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव
क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है क्या? डिफरेंस, डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। सर ये जो पहला वाला हमने लिखा है हाफ इनटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सर वो उन मॉलिक्यूल्स की ना जिसमें सेम है दोनों एलिमेंट्स। एक्सक्यूज मी सर, सर आंसर भेजना है। सर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप म्यूटेड हैं। शर्मा जी ये क्या लिखा हुआ है? सर एटम। तो ये किसके लिए डिफाइन है? सर सर वो इसे सेम एटम्स ना। आप फिर हाँ आप सेम बोल लीजिए, डिफरेंट बोल लीजिए, दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मैटर। यहाँ पर मैटर कर रहा है यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कॉपी किया है तो प्लीज आंसर बताइए। सर भेज दिया। ठीक है, और बाकी लोगों का? सर लेकिन इनको क्या बोलते सर, मैं भूल गई, कुछ तो बोलते सर जब सेम एटम एक साथ मॉलिक्यूल बना। बोलेंगे बताएंगे भी, ठंड रखो, बाकी लोग भी क्लास में हैं उनको भी थोड़ा मौका दो। सर भेजा। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। आर्यन, आर्यन का गड़बड़ है। और किसने भेजा भाई, किया कि नहीं किया? सर कौन से वाले पे भेजना है? इससे मेरी वॉइस आ रही है, मैं हाय भेज देता हूँ। सर अगर कोई ऐसा तो जैसे कि नाइट्रोजन है उसका N3 होता है, उसके लिए कैसे निकालेंगे सर कोवेलेंट रेडियस? ए माता ठंड रखो, क्या बताएं? N3। हाँ N3 बोला। हाँ सॉरी सर, N3 बोला आपने? हाँ सर। N3 कौन सा कंपाउंड होता है प्लीज बताइए। नहीं सर N3 नहीं होता। तो अब मन में कंपाउंड बनाओगे और उसका आंसर पब्लिक से तीन बॉन्ड होते हैं। सॉरी सर, सर सॉरी सर, तीन होते हैं। ऐसी क्या होता है मालूम है आपको, मैं एक चीज बताता हूँ, आप जब इस तरीके की कोई बात बोलते हो ना तो बाकी के लोग सुनते हैं और वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर आपके पास इस तरीके के कोई घटिया से डाउट्स हैं तो प्लीज उनको पब्लिक में शेयर ना करें, आप अलग से पूछिए उसको। सर कैसे पता चल गया सर घटिया? तुम बताओ ना, तुमको मालूम है ये चीज एग्जिस्ट कर रही जो तुमने बोला? गलती से हो गया सर। ऐसे पाप मत करो। चलो मैं ये आंसर समझा देता हूँ सबको, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है। इसका करेक्ट आंसर 7.3 होगा। रीजन, तो रीजन आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देखिए आपको इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करना है तो डेल्टा एक्स भी चाहिए और डेल्टा एक्स तो गिवन नहीं है, तो हमको ये पता है कि ये तो हम करने वाले हैं, ये तो हम करने वाले हैं। अगर सिर्फ इतना हम सॉल्व करते तो ये कितना होता? 7.5 होता, पर हमें पता है इसमें से डेल्टा एक्स 0.09 डेल्टा एक्स तो कम होगा, तो जो भी आंसर होना चाहिए वो 7.5 से थोड़ा कम होगा, और थोड़ा कम 7.5 से सिर्फ यही दिख रहा है आपको। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ऑप्शन बेस्ड मतलब समझते हैं ना, ऑप्शन बेस्ड। सर फिर तो सी भी हो सकता है। अरे भाई इतनी देर बोलने के बाद अभी मैंने क्या बोला? ऑप्शन बेस्ड बोला ना, बोला कि नहीं बोला? सर अगर ऐसे दो ऑप्शन रहते 7.4 और 7.3। मेरे स्टेटमेंट को मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज, मैंने बोला ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ऑप्शन बेस्ड का क्या मतलब होता है प्लीज बताएंगे आप? MCQs। ऑप्शन बेस्ड मतलब का ये होता है कि ऑप्शन जो क्लोज दिखेगा हम उसे आंसर करेंगे बस, ठीक है?
पॉसिबिलिटी जज हम करेंगे ऑप्शन को देख करके, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कितना होगा क्योंकि हमारे पास सब कुछ कैसा है, ए क्या है हमें नहीं पता, बी क्या है हमें नहीं पता, बट हाँ हमको पता है 7.5 से थोड़ा सा कम होना चाहिए बस। तो ऑप्शन में हमको 7.5 से थोड़ा कम सिर्फ यही दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और इस तरीके के क्वेश्चन ये डिबेटेबल नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि ए और बी क्या है कुछ भी हो सकता है, हम कैसे बता दे इतना नहीं, नहीं आप क्लेम भी नहीं कर सकते इन चीजों के ऊपर, ये डिबेटेबल कभी नहीं हो सकते। देखिए अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि केस हमारा होमोएटॉमिक है, शर्मा जी बड़ी देर से परेशान है, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो होमोएटॉमिक का मतलब समझते हैं हम लोग? हाँ सेम टाइप ऑफ एटम। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सेम टाइप। अब सेम टाइप का मतलब O2 H2 Cl2 तमाम सारे पॉसिबल। तो प्रीवियस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे बोलिए, जो हमने अभी कोवेलेंट रेडियाई का फॉर्मूला मॉलिक्यूल डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली फॉर्मूला हो जाएगा DA/2 + DB/2, डेल्टा एक्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। सर वो सेम ही तो है सर, DA/DB इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैंने आपसे बोला हम फॉर्मूले को अभी चेंज कर रहे हैं, मुझे पूरा करने दीजिए ठीक है, अभी तो बहुत सारे सर। ओके सर। डेल्टा एक्स वाला क्यों निकल जाएगा वो एक और बार समझाइए। प्लीज इंटरप्ट मत करो, के बीच में इंटरप्ट करोगे निकाल दूंगा रूम के बाहर। हमने आपको जो प्रीवियस फॉर्मूला बताया वो ये होता है, अब अगर होमोएटॉमिक होगा तो ये पार्ट कैंसिल हो गया क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा सेम एटम्स का जीरो, तो अगर ये जीरो हो गया तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला बचा DA/2 + DB/2, अब अगर एटम सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया DA = DB हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो ये इक्वल है ये इक्वल है, तो यानी हमारी कोवेलेंट रेडियाई का फॉर्मूला क्या हो गया, क्या हो जाएगा फॉर्मूला DA, ये हो गया। समझ में आई बात? यस सर। और बार बार बीच में जब मैं बोला करूं तो इंटरप्ट नहीं करोगे, इसके बाद मैं आपको वार्न नहीं करूंगा, निकाल दूंगा मैं रूम से। ओके सर। सर डाउट है, रुक जाइए जरा, बाकी लोगों को ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पर आप ए लिखो बी लिखो सी लिखो डी लिखो जेड लिखो जो मर्जी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केस यहां से बनेगा O2 है H2 है Cl2 है N2 है जो भी है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं बनेगा अगर आप सही मायने में सोचो तो। दिस डी इज व्हाट डायमीटर या बॉन्ड लेंथ जिसे हम बोल रहे थे, तो कोवेलेंट रेडियाई यानी मॉलिक्यूल की रेडियाई क्या हो जाएगी इक्विवेलेंट टू बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। बात समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। अभी बोलो क्या डाउट है? सर हम लोगों ने पहले जो कोवेलेंट रेडियस निकाला सर वो हाफ इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस था राइट सर, मतलब 2R/2 तो r हो गया। हाँ। सर यहाँ पे तो अभी हमने d निकाला सर जो 2R होता है। अरे वो एटॉमिक रेडियाई है, ये मॉलिक्यूल है, फिर से वही गड़बड़ कर रही हो। सर मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं? ये मॉलिक्यूल के लिए निकाला है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। हाँ सर। और एटम सिंगल होता है। हाँ सर। तो पीछे जो किया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको जो बता रहे थे, यहां पर मैंने आपको ये जो बोला, पहले तो आप कुछ बातें समझ लीजिए, अगर हम कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल बोल रहे हैं ठीक है, तो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा तभी एटम एग्जिस्ट करेगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम तो नहीं एग्जिस्ट करता ना। यस सर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ठीक है, इसका हाफ एक एटम की रेडियाई होगा जो आपको पीछे मैंने लिखा था। ओके सर। और प्लीज एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस बचपन में सिखाया जाता है, ये एटॉमिक रेडियाई, आप डी से लिखिए सी से लिखिए जेड से लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात कर रहे हैं कि हमको पूरे मॉलिक्यूल की चाहिए, तो इसकी रेडियाई प्लस इसकी रेडियाई तब मॉलिक्यूल की रेडियाई बनेगी, तो ये लिखा है मैंने।
सो मतलब असल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही है बस. हाँ जी, अब ऐसे ही समझ लीजिए. ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और ये हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है क्योंकि ये एटम और ये मॉलिक्यूल है. समझा शर्मा की नहीं? यस सर. और किसी को एटम और मॉलिक्यूल को लेके कोई कंफ्यूजन है? सर अगर हम लोग को कोवेलेंट रेडियस ओजोन का निकालना है जिसमें 3 एटम्स है तो उसका क्या करेंगे? फिर से आप बहुत दूर चले गए. मैं आपसे ये पूछूं कि ओजोन में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो आप आंसर दे पाएंगी मुझे? नो सर. तो फिर रहने दीजिए, मुझे सिखाने दीजिए. आपको बॉन्डिंग आइडेंटिफाई करना नहीं आता है इसीलिए मैं एग्जाम्पल लिखते समय बहुत ध्यान से लिख रहा हूँ. मुझे पता है आपको बॉन्डिंग आइडेंटिफाई करना नहीं आता है. ठीक है, और अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं बेटा, थोड़ा ठंड रखो, वो सब चीजें आ जाएंगी. H2O2 और O3 छोड़ दीजिए, आप H2SO4 और H3PO4 का भी निकाल पाएंगे. पर पहले एक एक एटम तो सीखे. अभी तो हमारे बच्चे एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस नहीं समझ रहे. आप तो बड़ा मॉलिक्यूल ले आए. ओके सर, सॉरी. नहीं सॉरी, और हम आपको सब कुछ सिखाएंगे. मैं आप चैप्टर खत्म होने से पहले पहले आपको वो सब चीजें समझ आ जाएंगी, ये बात की गारंटी. ओके सर. कॉपी करना है इसमें? हाँ सर, कॉपी करना है इसमें. राइट का वो क्वेश्चन हटा दूंगा, उसकी जरूरत तो नहीं है. सर हो गया सबका कॉपी? हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग. हमने अभी जो बॉन्डिंग पढ़ी वो वहां पर जहां पर कोवेलेंटली बॉन्डेड हो यानी बॉन्ड बना हो. ठीक है, अगली जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेंडर वॉल. हम लोग इसे VWR से लिखते हैं. आपने इससे पहले कभी वेंडर वॉल फोर्स के बारे में सुना है, पढ़ा है? यस सर. कहाँ पर एग्जिस्ट करता है पहले? ग्रेफाइट. ग्रेफाइट. भगवान, ग्रेफाइट. अच्छा और बता दीजिए सर. इमेजिनरी फोर्सेस शायद. नोबल गैस. हाँ, ये इमेजिनरी फोर्सेस सबसे पहली बात, हाइपोथेटिकल अप्रोच है. दूसरी बात, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स में होता है. आप इनर्ट गैस बोल दीजिए, इसके अलावा कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल की बात हम कर सकते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होता है. लेकिन इन सबसे पहले मैंने जो बात बोली, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल होता है, इस बात को जरूर दिमाग में रखें. ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा. जरा डिफरेंस ध्यान से करें. इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स और इनर्ट गैस एटम्स. मैं ध्यान से सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर प्रीवियस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये बिल्कुल सेम है. पढ़ लीजिए और जरा बताइए, सेम लग रहा है क्या?
नो सर हाँ सर अभी जिसको सेम लग रहा है प्लीज वो पहले वाली डेफिनेशन के साथ रिलेट करके मुझे बताए कि क्या बिल्कुल सेम है सर इसमें इनर्ट गैसेस भी मेंशनड है और क्या डिफरेंस है सर इसमें नियरेस्ट नियरेस्ट लिखा है उसमें सक्सेस है और इसके अलावा मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है एग्जैक्टली सबसे बड़ा डिफरेंस ये है वहां पर हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे एक मॉलिक्यूल के एटम्स की बात कर रहे थे ये टू नियरेस्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स थे ये एक से ज्यादा मॉलिक्यूल की बात कर रहा है डिफरेंस ये है वो जब हम कर रहे थे तो हम ये कहते थे कि हमारे पास एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है इसके बीच के डिस्टेंस हम देखते थे यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई एक से ज्यादा कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं और कैसे नियरेस्ट क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल है तो एक जगह पर तो होगा नहीं वो भाग रहा होगा तो जो नियरेस्ट होगा उसे लेकर के हम कंसीडर करेंगे अब आगे क्या करने वाले हैं तो इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी ठीक अब यहां पर हमें एक हाइपोथेटिकल हमें रिंग ड्रॉ करनी होती है ठीक है ये आपकी एक हाइपोथेटिकल रिंग बन रही है इन दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं अब आप चाहे स्मॉल डी कैपिटल डी जो आपका मन करे वो लिख लीजिए आप इसको मैं कैपिटल डी लिख देता हूं ठीक अगर हमसे वेंडरवॉल रेडियाई के लिए पूछेंगे तो दिस इज अगेन हाफ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो फॉर्मूला तो देखने में सेम लग रहा है पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही चेंज हो चुकी है ये हो गया ठीक अब आपको इनर्ट गैस एटम बोला है तो अब इनर्ट गैस एटम तो अकेला ही होता है ये हो गया एटम नियरेस्ट डिस्टेंस हमने ले ली अब इसमें भी हमको वही करना पड़ेगा इन दोनों के न्यूक्लियस को हम करते हैं और उस पर एक हाइपोथेटिकल रिंग ड्रॉ कर देते हैं और इस डिस्टेंस का हाफ हमारा वेंडर वॉल रेडियाई हो जाएगा बात समझ आ रही है सर कोवेलेंट वाले में सर हमने न्यूक्लियस नहीं सर जहाँ पे वो ओवरलैप हो रहे वो जॉइन कर दिए हाँ अब आप मुझे बता दीजिए इन दोनों रिंग का ये जो दो एटम इनका सेंटर कहाँ मिलेगा तो बीच में ही हुआ तो जहाँ बनाया मैंने सही बनाया गलत बनाया सर लेकिन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना तो न्यूक्लियस से होना चाहिए ना मतलब पूरे मॉलिक्यूल के सेंटर से होगा बिल्कुल मैं आपको वो चीज बताता हूँ पर उससे पहले मुझे एक बात जरा कंप्लीट कर लेने दीजिए कि अगर हम दो रिंग की बात कर रहे हैं जो मैं इसको कर ही देता हूँ हमारे हिसाब से कर देता हूँ चलिए अभी ठीक है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अभी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नो सर अभी मैं आगे बोलूं ठीक है वो मैंने ऐसा क्यों बनाया था उसका भी आंसर मैं अभी आपको दे दूंगा पर पहले मुझे बता दीजिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर न्यूक्लियस के लिए सर हमें तो बोला नियरेस्ट डिस्टेंस सर वो तो सीधा सर्कमफेरेंस जोड़ते होना चाहिए ना तुमने एटम्स देखे हैं क्या नो सर हां नो सर तो फिर जैसे दिखा रहे वैसे देख लो जिस दिन आप देखना उस दिन मुझे बताना सर हमारे डेफिनेशन की बात करिए सर हाँ बोलो आप सर हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हाँ अब मैं बोलूँ आगे न्यूक्लियस किधर से आ गया ये जो मॉलिक्यूल्स है ना हमारे ठीक है इनके बीच में वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ठीक है इस मैं आपको हाइपोथेटिकल रिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा
उसे काउंट किया जाएगा। आप एटम टू एटम की क्या सर्कमफेरेंस के साथ लिंक करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि इसके बीच में बना दें, आप ये चाहते हो? डेफिनेशन वाइज नहीं, तो आप समझ कि वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन के लिए हमको न्यूक्लियस को कंसीडर करके ही बनाना पड़ेगा। ओके सर। अब इस पर हमसे क्या क्या चीजें चाहिए, एक्सपेक्टेड है? पहले तो मैंने आपको जो डेफिनेशन में डिफरेंस दिखाया उस बात को याद रखिएगा। अब मैंने जो पहले आपको बनाया था उसको काउंट करते हुए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक छोटी सी चीज आपको बतानी है कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है, विच वन इज ग्रेटर? वैंडरवॉल। अब हम आपसे अगर ये पूछे कि कितना है तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है। कितना तो नहीं बता सकते, बता सकता है क्या कोई कितना? नो सर, वो तो मेजर करके ही पता चलेगा। हाँ, तो इट इज अप्रोक्स टू टू टाइम्स, अप्रोक्स टू टू टाइम्स होता है। और अप्रोक्स बोल रहे हैं तो प्लीज अप्रोक्स ही रखिएगा, ये कभी भी टू टाइम्स नहीं होता, कुछ तो ज्यादा ही रहेगा उससे। ठीक है, नोट कर लीजिए बाप। मैं आपको बड़ा सर्किल दिखाना चाह रहा था कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैंने उसको किया था कनेक्ट, बट चलेगा, आप इस बात को याद रखिए बस। सर बोलिए। सर ये जो आप डॉटेड सर्कल बना रहे हो, मतलब वो क्या होता है? वो फोर्स का डायरेक्शन होता है कि कोई फील्ड होता है, कुछ ऐसा होता है? नहीं, हाँ आप बोल सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट होता है, इसकी बाउंड्री का इफेक्ट हम दिखा सकते हैं, उसे मेंशन कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल फोर्स है और उस हाइपोथेटिकल फोर्स का इम्पैक्ट कहाँ तक है वो हम आपको बता रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट हम न्यूक्लियस से काउंट करते हैं। सर ये फोर्स तो असल में भी होती होगी ना, न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, हाइपोथेटिकल क्यों बोला? उस फोर्स को ही वैंडर वाल जो बोला गया है वो हमको दिखता नहीं है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे हाइपोथेटिकल बोला जाता है। हर गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में एक वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कहीं से भी विजिबल नहीं होता है, उसके इंपैक्ट को न्यूक्लियस के साथ काउंट किया जाता है बस। अच्छा सर, इमेजिनरी नहीं, हाइपोथेटिकल है। कॉपी हो गया? एक सेकंड सर, एक सेकंड का वो इसके नीचे लिखिएगा। तो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन नहीं सर, एक इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन का दूसरे के न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन का दूसरे के न्यूक्लियस, सर ये अट्रैक्शन है ना? सर बुरा डाउट है। सर आप म्यूट पे हैं। नहीं सर, म्यूट पे नहीं सर, लेकिन आवाज नहीं आ रही। यस सर, मैं एडिट करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ, किसी का कुछ रह गया तो बता दीजिए। नेक्स्ट रेडियाई कौन सी है, क्रिस्टल या फिर मेटालिक? क्रिस्टल और मेटालिक। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये पर्टिकुलर रेडियाई हम किसके लिए डिफाइन करने वाले हैं? मेटल्स और क्रिस्टल्स, बस फॉर मेटल्स ओनली। ठीक
ठीक है, जैसे पहले वाला सबसे पहला किसके लिए था, सिर्फ कोवेलेंट के लिए, दूसरा किसके लिए था, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स एंड इनर्ट गैस एटम्स के लिए, और ये सिर्फ मेटल्स के लिए। देखिए क्रिस्टल और मेटालिक रेडियस, अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला भी आपको सेम दिखाई देगा, डेफिनेशन भी आपको मोर और लेस सेम ही दिखाई देती है, डिफरेंस केवल क्या है, कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो ये मेटल्स में एग्जिस्ट करता है, डेफिनेशन देखें, डिफाइन एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटालिक क्लोज्ड पैक क्रिस्टलाइटाइज। ठीक है, तो किसी मेटल एटम के पैक क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट होगा उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस। अब आपको ये डिस्टेंस देख करके बहुत ज्यादा लग रही हो किसी को, तो मैं आपको बता दूं कि कभी बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि मैं एटम का साइज इतना बड़ा बना रहा हूं तो उसके रिस्पेक्ट में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे बीच में दो चार किलोमीटर का डिस्टेंस होता है किसी मेटल में, मेटल एटम्स क्लोज पैक्ड होते हैं, पर साइज ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है मैंने। सर कर लीजिए कॉपी। सर हमेशा सर एक टाइप के मेटल एक साथ पैक्ड होते हैं ना लैटिस में? शाबाश बेटा, कॉपर मेटल एटम्स के बीच में Fe घुसा रहेगा, और अगर Fe आ जाएगा तो क्या उसे कॉपर मेटल बोलेंगे? नो सर। बोलो बोलो। नो सर। ये तो सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता था, एक मेटल में एक ही तरीके के एटम्स होते हैं, और अगर एक से ज्यादा एटम हुए तो फिर क्या वो प्योर मेटल होगा, उसे शायद एलॉय बोलते हैं। हाँ सर। ये सब कहाँ से निकाल के लाती हो सर? सर हो गया बस। ये एक लेक्चर में कितनी बार हो गया? सर आज थोड़ा दिमाग सर कुछ हो गया। अच्छी बात है। सर वैंडरवॉल फोर्सेस जो होती है सर वो किसके बीच में अट्रैक्शन होता है? शाबाश, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स मेरे ख्याल से लिखा था हम लोगों ने वहां। नहीं नहीं सर वैसा नहीं सर, मतलब एक के न्यूक्लियस का दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ और उसके न्यूक्लियस का दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ। बिल्कुल वैसे ही होता है, पर मेजरमेंट हमेशा न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस होता है। ओके सर। सर मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, वो मेटालिक रेडियस के बाद क्या लिखा है? फॉर मेटल्स ओनली। सर सर आपने बोला था वैंडरवाल्स जो रहता है वो सिर्फ नॉन मेटल्स गैसेस में एग्जिस्ट करता है। हाँ, नॉन मेटल्स भी बोल सकते हैं। अच्छा नॉन मेटल्स बोल सकते हैं, ठीक है सर। सर सर तो हम वैंडरवाल्स में रेडियस सॉरी न्यूक्लियस से लेते हैं क्योंकि उसमें अट्रैक्शन होता है। बेटा हम किसी भी रेडियस को मेजरमेंट न्यूक्लियस के थ्रू ही करते हैं, किसी का भी, हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं आप किसी भी स्ट्रक्चर में जाकर के देख लीजिए, आपको सेंटर से ही मेजरमेंट करना होगा। सेंटर के बाहर कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? प्रैक्टिकली बताओ, आपको किसी भी चीज का मेजरमेंट करना होगा। ठीक है, कोई भी शेप आप ले लो, मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेंटर से ही तो करते हैं ना। सर आपने पहले वो ओवरलैपिंग एरिया से किया था। मैं सिर्फ ओवरलैपिंग आपको समय ये बताना चाह रहा था, केवल मुझे आपको साइज दिखाना था कि इसके और इसके बीच का गैप बहुत बड़ा होता है।
मैं उस पे ड्रॉ करता था, बाद में मैं उसको करता, लेकिन बीच में इतने सारे लोगों ने बोल दिया तो मैंने हटा दो फिर छोड़ो। तो सिर्फ ये बता कि अभी हम लोग कंपैरिजन जब क्वेश्चन के करेंगे ना, तब आपको दिखाएंगे कि वेंडर वॉल रेडिया और कोवेलेंट रेडिया में इतना बड़ा डिफरेंस है कि पीरियोडिक अरेंजमेंट चेंज हो जाता है उसकी वजह से। वो भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। यस सर, हो गया सर, हटा दूं मैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, वो लास्ट वाला जो नीचे वो लिखा लिख। सर मेटालिक रेडियाई को हम लोग मेटल्स के लिए वैंडर वॉल रेडियाई बोल सकते हैं क्या? अबे वैंडर वॉल भाई नॉन मेटल्स के लिए है कि मेटल्स के लिए? फिर तुम वापस वहीं आ गए। क्या कहना, क्या करना चाहते हो वो बताओ, हम बुक में ही करेक्शन करवा देंगे, छोड़ो केमिस्ट्री में करेक्शन करवा देंगे। क्या करना है आपको पिछले हैं, क्या चाहते हो मेटल नॉन मेटल सब एक ही कर दें? सर मेटालिक फॉर्म सर यहाँ पे है ऐसा बस, मैं सिर्फ सिंपल वर्ड्स में ये बोल रहा हूँ, दिस इज फॉर मेटल, दैट वन फॉर नॉन मेटल्स। उसके अलावा आप क्या चाहते हैं, क्या कर दें वो बताइए। सर मैं बस सर ये लिंक करने की कोशिश कर रही थी, अट्रैक्शन किस चीज में होता है। प्लीज प्लीज आप ये सब पाप बिल्कुल भी मत करो लिंक करने का। आपने देखा आपने कितने खतरनाक खतरनाक लिंक बनाए अभी तक। सर अट्रैक्शन तो वैन डेर वाल्स जैसा ही होता है ना सर, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस। हां ठीक है, रेपल भी तो करेगा ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। सर आप ये आयनिक रेडियस का लिख रहे हो? हाँ मैं अभी एडिट करूंगा फिर लिखना। आप जरा सोच के देखो मेरी हालत, एक साथ चार चार लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे पढ़ाना भी है, मुझे लोगों को बताना भी है, लोगों का ज्ञान भी सुनना है, उसके बाद उनको जबरदस्ती के घटिया क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं, मैं कैसे क्या करूं बोलूं मुझे। इसीलिए बार बीच में इंटरप्ट मत करो। प्लीज अभी मत लिखिएगा, मैं आपको बोलूंगा तब लिखिएगा ना। देखिए आयनिक रेडियाई पहले समझिए बाद में कॉपी करिए। इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोशन। हर बार हम यही लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं लिखा। बट इन एन आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड, हम आयनिक कंपाउंड के आयन के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर अगर हम डिस्टेंस को लेंगे तो दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। मैंने ए बी टाइप का एक कंपाउंड यहाँ पर लिया हुआ है, ए बी टाइप का मतलब NaCl ले सकते हो आप, ठीक है। मैंने कैटाइन बनाया है और मैंने ये एनायन बनाया है। आप सब शायद ये बात पता हो शायद कि कैटाइन जो है वो एनायन से छोटा होता है, पता है कि नहीं पता आपको? यस सर, यस सर। अगर जिनको नहीं पता है तो वो आज से पता कर ले इस बात को यहाँ पे, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट की डिस्टेंस, इसकी रेडियस और इस यहाँ पर ये इसकी रेडियस है। तो जो कैटाइन की रेडियस है उसे हम आर सी लिख रहे हैं, सी फॉर कैटाइन, और ये एनायन की रेडियस है तो आर ए यानी एनायन। सम ऑफ दिस गिव्स रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, RC plus RA. Is it? Okay, sir. कर लीजिए।
हमने आपको अभी तक जितना भी बताया है इन सब में सिर्फ वो एक क्वेश्चन आपको बताया था अगर आपको याद हो, जहाँ पर डीए बाई टू प्लस डीवी बाई टू माइनस जीरो वन जीरो नाइन डेल्टा एक्स वाला था, एक अकेला वहां क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज ये जितनी भी चीजें हमने आपको लिखाई है इनमें से एक के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक, तो अब हम उस पार्ट पर आते हैं जहां पर इनके एप्लीकेशंस होंगे और जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए फिर मैं एक्चुअल पार्ट पर आता हूँ। चेक करते हैं, सर आर सी क्यों लिखा है, लाइक रेडियस ऑफ ए क्यों नहीं लिखा? कटाया ना सी था। ओके ओके आवाज बेटा। एक सेकंड सर, कहाँ पर हैं? डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ, बाकी हटा दे। डायग्राम हो गया आपका? Yes. ये फैक्टर्स आपने क्लिक करके इन सारे फैक्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे लिखा है एज सच कॉपी कर लीजिए। सो सेकंड वाला PQN है ना? हाँ PQN। हुआ कॉपी? हाँ सर। सर ये बताना
ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये सबको समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं हमको साइज को कैसे मेजर करना होता है, किन फैक्टर्स को लेकर के हमें कंपेयर करना है और कैसे हमारे लिए क्वेश्चन होंगे। तो हमें एटॉमिक रेडियाई कंपेयर करना है ए आर डाउन द ग्रुप, दिस एरो शोज डाउन द ग्रुप। अब आप जरा, आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया है? यस सर। ठीक है, अब जरा देख करके बताइए कि लिथियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? करेक्ट है? यस सर। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि लिथियम में कितने शेल्स हैं? टू। सीजियम में कितने शेल्स हैं? Six. अब मैं आपसे पूछूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। हाँ जी? नो सर। ठीक, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप कोई भी फैक्टर जो भी आपके पास ऑप्शन है उसे यूज करके आप बता सकते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। ठीक, अब क्वेश्चंस तो इस तरीके से सीधे सीधे नहीं दे देंगे। अब क्वेश्चन देते समय हमसे क्या कहते हैं, क्या आप बताइए विच एटम इज लार्जेस्ट इन साइज? और हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी थ्री, सी फोर, फाइव। तो इसमें से सबसे बड़ा आइटम कौन सा होगा? फाइव। बस, लॉजिक रिलेट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक, तो क्वेश्चंस पूछे इस तरीके से जाएंगे, समझाते हम इस तरीके से कि ट्रेंड हमेशा इंक्रीज होता है। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया जाए तो भी यही फैक्टर देखना है, आपको नंबर ऑफ शेल्स दिया जाए तो भी यही फैक्टर देखना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यही देखना है। अगर चलो यही पूछ लेते, इन सब में सबसे ज्यादा स्क्रीन किसमें होंगी? ऑप्शन डी। समझ आया? यस सर। ठीक, अब आप कॉपी कर लीजिए इसको। और हमने जो अभी फैक्टर्स लिखे थे उसमें से कितने फैक्टर्स यूज कर लिए हैं? सर एक। अच्छा, एक ही यूज किया है? तीन ना, नंबर ऑफ शेल्स P2N और SE। नहीं, अभी किसी ने एक ही लिखा होगा तो एक ही बताएगा। सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं उसका। हाँ, तीन हमने यूज किए, अब नेक्स्ट पर हम आते हैं। सर उस दिन आप जो डायगोनल रिलेशन की बात कर रहे थे, यार प्लीज, यार प्लीज जानवी, है ना, करंट टॉपिक चलने दो प्लीज। फिर कुछ नया बोल दोगी, फिर सॉरी बोल दोगी, फिर बाकी के लोगों के दिमाग में नई चीज आ जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, ओके सर। हो गया सर। हो गया, किसी का बाकी तो नहीं है?
देखिए जरा अक्रॉस द पीरियड में 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 0 ग्रुप के एलिमेंट्स लिखें। लिथियम का नंबर ऑफ शेल्स कितना होगा? 2। नाइट्रोजन में कितने शेल्स हैं? 2। इसका मतलब ये फैक्टर तो काम नहीं करेगा। ठीक, अब इसमें हम कौन सा फैक्टर देखते हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया था, याद आ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज याद आया कुछ? यस सर। तो जब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपैंड करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये हमारा लॉजिक बना। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज हमारा कौन सा साइज? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये एक पॉइंट हो गया। बट आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने एरो कहां तक पहुंचाया है? एफ तक। मैंने क्योंकि मुझे यहां कुछ और बताना है आपको। जब बात जीरो ग्रुप की आती है तो दिस ओनली शोज वेंडर वॉल रेडियाई, याद आया? हाँ सर। और अगर वेंडर वॉल रेडियाई को हम किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो दिस वन इज द लार्जेस्ट रेडियाई। किसी के साथ भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो वेंडर वॉल रेडियाई इज ऑलवेज डोमिनेटिंग। तो यहां से यहां तक साइज तो डिक्रीज किया और उसके बाद साइज क्या होता है? इंक्रीज। और ये इतना इंक्रीज होता है कि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, तो फिर हम नियॉन को कहां पे रख दें? कहां पे रख दें? लिथियम के पहले। सीधे यहां पे। बात समझ आई आपको? कि फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू सेकंड ग्रुप इट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, और वो भी जबरदस्त इंक्रीज कि वो इतना बड़ा हो गया। ये प्रॉपर्टी सारे नोबल गैसेस के लिए ना? जी सर, हमने ग्रुप को मेंशन किया, अगर आप देखें एलिमेंट को मेंशन नहीं किया है। देखा आपने? इसका मतलब हम जो भी बात कर रहे दैट इज फॉर होल पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप्स। अब इसके बाद ये एक तरीके से अगर देखें तो मैथमेटिकली थोड़ा अच्छा भी हो गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैथमेटिकली अच्छा हो गया? कि जब हम इस वेरिएशन का सिंप्लीफिकेशन करें तो डाउन द ग्रुप It always increases, across the period it decreases, ऐसा हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। हम क्या करें? एक काम कर लेते हैं, decreases कहां से कहां? From 0 to 7A। तो मैथमेटिकली क्या हो गया भाई? 0 कब आएगा? 7 के बाद आना चाहिए या 1 से पहले आना चाहिए? 1 से पहले। वो अभी अच्छा लग रहा है 1 से पहले आ रहा है। तो दिस इज ओवरऑल समरी ऑफ द एटॉमिक रेडियस कि हर ग्रुप के लिए ये इंक्रीज, अक्रॉस द पीरियड ये डिक्रीज, लेकिन 0 टू 7 है। सर लाइक वंडरवॉल रेडियस क्या मेटालिक रेडियस से भी बड़ा होता है? जी सर, वही तो मैं बताने के लिए उस समय गोला बना रहा था जब सारे के सारे लोग टूट पड़े। मैं वही बताना चाह रहा था कि ये सबसे बड़ा होता है, ओवरऑल डोमिनेट करता है। एटम्स की रेडियाई हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, यानी 10^-10 मीटर, और वो उन सबको एकदम ओवरलैप करके सबसे बड़ा होता है। तो इस बात को जनरल दिमाग में डाल के रखिएगा, दिस द लार्जेस्ट रेडियाई, इट इज मोस्ट डोमिनेटिंग रेडियाई। सर एटॉमिक रेडियाई सर हम बोलते हैं वो है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल, राइट सर? बट सर हम लोगों ने नोबल गैसेस के लिए उसको वैन डर वाल रेडियस बोल दिया सर, जो वैन डर वाल रेडियस एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी ले रहा है। हाँ सर, ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि अगर कोई मॉलिक्यूल कोई एटम का रेडियाई हम कंपेयर नहीं कर सकते और हमारे पास कोई कंपाउंड नहीं है तो हमने एक हाइपोथेटिकल मेजरमेंट लिया और उसके साथ हमने उसको रिलेट कर दिया, वरना हम जीरो ग्रुप को तो कभी मेजर ही नहीं कर सकते क्योंकि तो सिंगल एटम का मेजरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। आप देखो हमने जितनी भी रेडियाई पढ़ी हर बार किसी ना किसी बॉन्ड्स के साथ ही पढ़ी है। अब जीरो ग्रुप को हम कोई बॉन्ड बना नहीं सकते थे तो हमने वैन डर वाल फोर्स का यूज किया और उसके कंपैरेटिव उसे कैलकुलेट किया। तो वो कंपैरेटिव डिस्कशन में आता है, सिर्फ वहीं पर हम उसे बात करते हैं वरना उसकी बात नहीं करते। सर वैन डर वाल रेडियस लेकिन असल में उनका भी एटॉमिक रेडियस नहीं दे पा रहा।
तो बस आइडिया दे रहा है इनका। हाँ तो हम आइडिया से ही कंपेयर कर पा रहे हैं। हमने आपसे क्या बोला, हम पूरे चैप्टर में सिर्फ कंपैरिजन करने वाले हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ कंपेयर करके बता सकते हैं कम है ज्यादा है। एक बात और भी यहाँ पे समझ लीजिए, हम कम और ज्यादा भी जो कंपैरिजन करते हैं ना, वो भी सिर्फ एडजेसेंट के लिए है। आप बोलोगे हम यहाँ से लिथियम उठाते हैं और वहां से क्लोरीन उठाते हैं या ब्रोमीन उठाते हैं, अब कैसे, वो कोई कंसेप्ट नहीं। फिर डेटा चाहिए हमको, हमारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कंपेयर करवाएगी हमको। और अगर सर बड़ा कंपैरिजन है तो डेटा चाहिए। बोलिए सर, हम लोग ऐसे सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब क्लोरीन नियॉन से बड़ा होगा, फिर वैसा नहीं कह सकते। मिस अभी तक आपको पता ही नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहे हैं? आपको पता है कि बड़ा है कि छोटा है? सर इस अजम्पशन को कैरी करते हुए सर, जो हमने बाकी सबका भी प्लीज किया। प्लीज डोंट डू दैट। जो आपको बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है? यस सर। बस इसे फॉलो करें और कॉपी करें। हो गया सर। हो गया, देखो ना हो बोल दिया करें, नहीं तो फिर इरेज करने के बाद आप बोलेंगे तो फिर हो ना पाएगा। हो गया। नहीं सर नहीं हुआ। ये लो सर, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तब हम लोग का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन एस ब्लॉक के लिए कांस्टेंट है, राइट? तो वैसे एस ब्लॉक के अलावा और कोई ऐसा एक्सेप्शंस है? नहीं। ओके सर। मैं इरेज करूं? यस सर। ये जिसे मैंने हैशटैग करके बताया ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज कर, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जहां तक जो चीजें रेगुलर हैं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। जैसे डाउन द ग्रुप आपने क्या देखा, साइज इंक्रीज करता है। मैंने कहां पर आपको बताया कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज करता है, कोई नहीं पूछ रहा। अगर उसमें कुछ पूछना है तो जहां पे कुछ गड़बड़ है वो पूछा जाएगा, तो अब जहां गड़बड़ है जरा उस पर फोकस कर लें। ग्रुप 3A और 13 ग्रुप, अगर किसी को एलिमेंट्स ना पता हो तो अपने पीरियोडिक टेबल में भी देख सकता है ये एलिमेंट्स। ठीक, आपको क्या इसमें लगता है सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन? टेलुरियम सबसे बड़ा, बोरॉन बोरी असल बोरॉन सबसे छोटा या थोरियम सबसे बड़ा? ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है और मैं सिर्फ उतना ही लिख रहा हूँ जितने से मैं आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाऊँ, बाकी की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ का वेरिएशन बड़ा गड़बड़ है, यहाँ से यहाँ तो साइज इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करता है, पर यहाँ पर साइज गड़बड़ है। और ये गड़बड़ कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये गड़बड़ है ऑलमोस्ट सेम वाला। अब गड़बड़ क्यों है, तो इस गड़बड़ को समझने के लिए जरा यहां पर चेक करें कॉन्फ़िगरेशन और मैं यहां लिख देता हूं, फिर उस चीज को आपको समझा देता हूं। देखिए हमने आपको जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था तब आपको कैलकुलेट करके भी ये बात प्रूफ करी थी कि डी के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, याद आ रहा है आपको? यस सर। ठीक,
अब अगर हम जब कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं तो आप देखिए बोरॉन एल्युमिनियम इज ओके, पर गैलियम में क्या आ रहा है बीच में 3D10 आ जाएगा। डी आने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन इज अनएबल टू कंपनसेट द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमें याद है जेड इफेक्टिव जो होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएनसी का कॉम्बिनेशन, इंटर रिलेटेड है कि नहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस सर। ठीक, तो क्या होता है 3D10 का स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है कम, तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया कम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा या कम? कम। ज्यादा। सोच के बोलो सर। ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रेक्शन कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा, तो साइज छोटा या बड़ा? छोटा। छोटा। तो यहाँ पे हमने वही दिखाया आपको एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में, दिखा आपको। अब ये तो आ गया, लेकिन अभी फिर से क्या है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले आप इसे कॉपी करो फिर मैं क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूँ। ऑप्शन के बिना आंसर नहीं, मत सॉरी बेटा। नहीं सर कुछ नहीं। सर कॉम्पेंसेट वाला नहीं समझा। हम्म, क्या बोल रहे हैं सर? ये शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन इज अनेबल टू कॉम्पेंसेट। हम्म, ईएनसी जिस कम जो ईएनसी बढ़ रहा है, मैंने अभी आपको कैलकुलेशन समझाया कि डी के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा? बोलो। ज्यादा होगा सर। तो साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। तो हमने यहाँ क्या दिखाया है? अच्छा हाँ समझा सर। Done, मैं रेस कर दूं? एक सेकंड। राइट वाला हुआ है क्या? हाँ सर।
लेफ्ट का कॉपी हुआ हो तो राइट की तरफ देखें। सब ब्रैकेट में क्या लिखा है राइट में? मोर देन। ओके सर। देखिए जरा मोर देन का क्वेश्चन है आपसे पूछे, इसमें से करेक्ट साइज ऑप्शन कौन कौन से हैं? हुआ भाई फर्स्ट सेकंड कॉपी कर रहे हैं क्या क्वेश्चन पहले हम लोग की पहले सॉल्व कर रहे हैं? सर कॉपी करो कॉपी। सर आपने जो थर्ड लिखा है सर वो सेम है क्या जी? सर जो थर्ड और सेकंड लिखे है सर उसका पहले की वजह बगैर सर ऑप्शन सेम है। मैं समझा नहीं क्या चीज कह रहे हो? सर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन क्या है? एल्यूमिनियम और वो क्या है नेक्स्ट? गैलियम है क्या? गैलियम है ना सर जी।
आंसर्स देंगे भाई? भेज दिया सर, कहां पर भेज दिया? चलो बताओ फर्स्ट का, पहले मुझे बोलो क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं? यस सर। ऑप्शन बी करेक्ट है? नो सर। नो। ऑप्शन सी करेक्ट है? यस सर। यस। ऑप्शन डी करेक्ट है? यस यस। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सिंगल चॉइस है, बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में क्या करेक्ट लग रहा है आपको? सी। सी। पक्का? यस सर। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए, बी। सी। सर। ए करेक्ट लग रहा है किसी को? नो सर। नो नो सर। अब बी और सी में, क्योंकि सिंगल चॉइस है। अच्छा डी करेक्ट लग रहा है? नो सर। नो सर। अब बी और सी में से क्या आंसर देते हैं हम सिंगल चॉइस? बी देंगे सर। बी देंगे सर। बी देंगे। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। इसे इक्वल है ना? कहाँ इक्वल है, किसने बताया इक्वल है? सर ऑलमोस्ट इक्वल है ना? हाँ सर। ऑलमोस्ट इक्वल और इक्वल में डिफरेंस होता है सर? वो ऑलमोस्ट, तो उन लोगों ने भी ऑलमोस्ट इक्वल ही दे रखा है ना, तो ज्यादा करेक्ट क्या होगा? सर ऑलमोस्ट इक्वल। अच्छा ये ज्यादा करेक्ट होगा, 10 और 10.01 लिखा हुआ है, इसमें से बड़ा कौन सा है? सर सही। समझ में आया कि नहीं? यस सर। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वरना हर किसी को एग्जाम से आने के बाद उसके आंसर करेक्ट लगते हैं, और इनऑर्गेनिक का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हमें हर बार मोस्ट करेक्ट आंसर देना होता है। ये तीन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछी है मैंने हर बार। कुछ लोगों को तो क्या मैं बोलूं, उन्होंने यही बोल दिया था कि सर ऑप्शन ही सेम लग रहे हैं सेकंड और थर्ड के, उन्हें लगा शायद मैंने सुना नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज है, लेकिन आंसर देते समय किस किस बात पे मैटर करता है, ऑप्शन क्या है हमारे पास और उसमें से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आंसर देना है। ये ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, लेकिन अगर आपसे बड़ा और छोटा पूछे तो बड़ा ही बताइए। सब्जेक्टिव होता तो आपकी बात बिल्कुल सही थी, स्लाइटली बड़ा होता है इसलिए हम ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं, वहां पर आपका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल चॉइस में मोस्ट करेक्ट ये होगा। क्लियर है तीनों क्वेश्चन आपको? मैं इधर लेफ्ट वाला इरेज कर दूं? यस सर। हमने फैक्टर्स में से कितने कर लिए अभी तक? नेक्स्ट फैक्टर पढ़ के बताइए कौन सा है। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। सर बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ओके सर। आपको मैंने जो 10 पेजेस छुड़वाए थे, ठीक है, उसमें जाइए और एक जगह पर ये मेंशन कर दीजिए इतना, तो वहां पे कॉपी करिए।
यहाँ भी कॉपी करिएगा रेगुलर पेज पे भी और वहां भी। सर आपने कहाँ कहाँ लिखने बोला था, मैं सुनाई नहीं दे सर। जहाँ पे 10 पेजेस छुड़वाए थे वहां पर और रेगुलर पेज में जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहां पर। ओके सर। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो साइज क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा कि ज्यादा हो रहा होगा? कम। तो वो स्टेटमेंट जो हमने वहां लिखा है, कोवेलेंट रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, इसका मतलब समझ में आया आपको? जैसे जैसे बॉन्ड्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट रेडियस कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है इसके साथ? यस सर। ठीक, अब हमारे लिए क्वेश्चन कैसा हो सकता है, हमसे बोलते हैं ये मॉलिक्यूल्स हमको गिवन है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, अपने एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा होगा थोड़ा बहुत टेंथ में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। हाँ, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? एल्केन। ठीक है, कर लीजिए कॉपी। सर ये सिर्फ कोवेलेंट रेडियस के लिए एप्लीकेबल है। क्या बात है। CVR का फुल फॉर्म क्या बताया? नहीं पर आपने फैक्टर्स में एटॉमिक रेडियस लिखा था, तो बाकी सब रेडियस के लिए? नहीं, फैक्टर्स में क्या लिखा था मैंने? फैक्टर्स में पढ़ के बताइए। AR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। उसके बाद क्या लिखा था मैंने वहां? लिखा है AR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मैंने AR लिखा है कि CVR लिखा है? CVR लिखा है। अच्छा, आपका AR भी लिखा होगा आपके लिए। सर why isn't there a term to reflect this in the formula for covalent bond radius? Sorry? Why isn't there a term to reflect this in the formula for covalent bond radius? Yeah. Shit, यार, आप लोगों का लेक्चर 5:30 तक था ना? Yes, sir. 3:30 को स्टार्ट हुआ। अरे मेरा दूसरा लेक्चर है और वही पीछे से कॉल आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि टाइम क्या हो गया। ये आपने लिख लिया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले फैक्टर की हेडिंग डाल के रखो। ठीक है, नेक्स्ट पे करते हैं इसको।
और क्या है फैक्टर, पढ़िए नेक्स्ट फैक्टर क्या है। अच्छा ठीक है सर, है ना फैक्टर वाला। हाँ अब वही फैक्टर बाकी है साइज में बताने के लिए, उसके बाद आगे डी ब्लॉक में बताएंगे, उसके बाद का नेक्स्ट पे करते हैं ठीक है। आप अपने मॉड्यूल से साइज से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको मॉड्यूल मिल गया है, नहीं मिला है तो फिर वेट करिएगा ठीक है। ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर।